इमोशनल हो गई हैं साध्वी जी, क्योंकि ये जो नज़ारा है ये काफ़ी दुर्लभ नज़ारा है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अयोध्या वासियों को जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम को इतनी सफलता से इतना अच्छा करा, वर्णन नहीं कर सकते। ले भाई अयोध्या नगरी की अद्भुत तस्वीरें दिखाने खातर हम पहुंच गए हैं धर्मपथ, और तुम देख सको हनुमानगढ़ी जाने वाला ये रास्ता जिसका नाम धर्मपथ है, धर्मपथ की लाइव तस्वीरें जो है फिलहाल तुम देखने लग रहे हो, और बहुत ही अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय नज़ारा है। और ये जो नगरी है यानी कि धर्मपथ का ये जो रास्ता है, इस रास्ते में के चीज़ें के दृश्य जो है वो तो हमने देखने में मिलेंगे। आज हमारे गल है फिलहाल की जो है लाइव तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हैं और हाँ ये संसार क्रांति बिल्कुल जी। तो ये देखो, हाँ जी कहाँ से पहुँचे जी आप? हम उज्जैन से आए, एमपी उज्जैन से आप पहुँचे हैं। तो ये जो धर्मपथ का जो मार्ग है ये कैसा लगा आपको? अरे बड़े सौभाग्य समझ रहे हैं हम कि इन आंखों से आज जो दृश्य देखने को मिला, बहुत खुशी हो रही, कुछ कह नहीं सकते। दुर्लभ दृश्य है, दुर्लभ दृश्य है। धन्यवाद देती हूँ मोदी और जोगी को जिन्होंने इतना अच्छा दृश्य दिखाया, आंखों से दुर्लभ है। क्या नाम आपका? मैं उज्जैन से हूँ, निरंजनी अखाड़े से। अच्छा, साध्वी मीरा माँ पूरी। ये देखो भाई, ये इमोशनल हो गई हैं साध्वी जी, क्योंकि ये जो नज़ारा है ये काफ़ी दुर्लभ नज़ारा है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अयोध्या वासियों को जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम को इतनी सफलता से इतना अच्छा करा, वर्णन नहीं कर सकते। ये सातवीं क्लास में पढ़ता है ये बच्चा। देख के भावुक हो रही हूँ मैं। धन्यवाद देती हूँ सबको, भगवान सबको खुश रखे जिन्होंने इतना बड़ा, और मोदी और योगी को तो बार बार साधुवाद है जिन्होंने इतना संघर्ष करके, उन भाइयों ने जिन्होंने त्याग किया है सर मंदिर के लिए, उनको भी श्रद्धांजलि मेरे आंसुओं के द्वारा देती हूँ। साध्वी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के दो वनवास हो गए, एक तो वो 14 साल का वनवास था, एक 496 साल का वनवास। लेकिन 14 साल का वनवास तो कट गया था, लेकिन 500 साल का वनवास जो काटा है, धन्यवाद है योगी जी को, और हमारे जितने भी अयोध्यावासी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज भाई और भी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं जो तरती दिखावेंगे, मतलब नौजवान युवा पीढ़ी है जो उसमें भी जोश है। हाँ जी बहन जी, बहन जी कहाँ से आए आप? सर हम अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हो? हाँ? तो अयोध्या को पहले आपने इतना सजा सवरा? नहीं नहीं नहीं, हमने इतना सजा सवरा कभी नहीं देखा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा हुआ, हमारी अयोध्या पूरी से जगमगाई हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति है सर। तो ज्योति, ज्योति जगमग होगी है सभी जगह? हाँ, सब जगह। मैं काफी टाइम से आपको देख रहा हूँ, हर एंगल से आप सेल्फी ले रहे हैं। तो पहले जो आज से पहले की जो अयोध्या थी वो कैसी थी और अब कैसी है? पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा हो गया, काफी परिवर्तन हो गया है, अब हर जगह सजावट हुआ है, जो कि 22 तारीख को दीप वो प्राण प्रतिष्ठा है, ऐतिहासिक तारीख को, जो कि काफी याद में पल रहेगा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा हुआ है। और हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारी अयोध्या चमकेगी, जो कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से इतना, योगी जी की वजह से इतना। इससे पहले कि मैं अगला सवाल ले, आपने जवाब पहले दे दिया है ज्योति जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे? सर योगी मोदी को दिए, बिल्कुल देंगे। और हमने कभी सोचा नहीं था, जो कि बहुत ही सुंदर भव्य सजावट हुआ है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि मैं सपनों में राम जन्मभूमि को बनते हुए देख पाऊंगी, जो कि मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रही हूँ, जो कि मन में बहुत उत्साहित है और बहुत ही अच्छा लग रहा हुआ है। यूथ में जो है धर्म के प्रति आस्था बहुत कम रह गई थी, और आप यूथ हैं, तो मतलब किस रूप में देखते हैं इस घटनाक्रम को? इस घटनाक्रम में मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। और बस जानकारी काफी रखते हो आप? हाँ जानकारी काफी है, श्रद्धा है हनुमान जी से, राम जन्मभूमि से, मैं बराबर दर्शन करते आती हूँ। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये देख सको भाई तुम, पूरी अयोध्या जो है वो राममयी होगी है, और जो ज्योति है वो जगमगा रही है। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। तो राम रक्षा चरित्र यहाँ से कल शुरुआत करूंगा। चलो बहुत बढ़िया, आप कुछ इसके लिए बोलिए। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हो, और परमपिता परमात्मा आपको तरक्की दे, आपके फॉलोवर बढ़े हैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई क्या नाम, नाम मैं भूल गया, श्रेयंश, श्रेयंश ये जो मंदिर जो सामने है इसकी क्या बारे में, इसके में कुछ जानते हो आप?
ये हमारा मंदिर पुराना है, पहले जैसे हनुमानगढ़ी था हमारा। अच्छा जी। ये हनुमानगढ़ी पुराना है ही, इस पे तो मतलब जैसे कई बार, एक बार बम ब्लास्ट का भी वो था। अच्छा। मामला था तो इसमें हनुमानगढ़ी में सामने। हाँ, सामने। इस पे हमारा बम ब्लास्ट मतलब आतंकवादी घुसपैठी घुसाए थे और पता नहीं कैसे टॉप पे मतलब एक बंदर बैठा था। अच्छा। ये कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत रोचक कहानी है। तो उस बंदर ने पता नहीं कैसे, उसको पता चला, वो गया, उसने बक्सा खोला, उसने तुरंत सारे तारों को इधर उधर कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, डिफ्यूज कर दिया पूरा बम डिफ्यूज। सिर्फ तीन, सच्ची घटना है, सिर्फ तीन सेकंड बचे थे। अच्छा। सिर्फ तीन सेकंड बचे थे, तीन सेकंड बचे हुए थे। और इसी यही की वो घटना है, एक बंदर ने उस बम को डिफ्यूज कर दिया। और जैसे कहते हैं ना कि अब इधर अगर हमारा एक हाथ ना रहे या फिर बीच की शरीर ही ना रहे तो हम नहीं रह पाएंगे। ये हनुमानगढ़ी पूरे अयोध्या का, ये देख सको भाई, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। वैसे तो पुनर्निर्माण काफी सारी चीजों का हो गया है, लेकिन ये जो मंदिर से जुड़ी हुई जो घटना है, हनुमानगढ़ी की घटना जो है, वो श्रीयांश तिवारी ने बताई है। भाई जो बम है वो फटने में मात्र तीन सेकंड बची हुई थी और एक वानर यानी कि एक बंदर ने उसको डिफ्यूज कर दिया, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। और जी कैसे हैं जी आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आज के जी कहाँ से आए आप? राजस्थान सालासर बालाजी के पास। अच्छा, गाड़ोदा से। किस तरह का महसूस कर रहे हो आप? पूरी की पूरी अयोध्या दोबारा से सज गई है। हाँ, ये समझो कि राम राज्य का गणेश, श्री गणेश शुरू हो चुका है। श्री गणेश हो गया है हमारे सब सनातनियों की, संतों की और सब राम भक्तों का। ये स्वाभिमान का प्रतीक है राम मंदिर, और आज हमारा स्वाभिमान जीता है। हमारे रामलला कल विराजमान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे मंदिर में, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो कोई हॉस्पिटल बना लेते, इससे अच्छा कोई और चीज बन जाती। नहीं, उनको क्या जवाब देना चाहोगे उनको? नहीं, हॉस्पिटल अपनी जगह है, हॉस्पिटल स्कूल है, चिकित्सा शिक्षा ये अपनी जगह है, और मंदिर है ये हमारा भक्ति का, आस्था का, विरासत का ये अलग है। तो इसमें नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल बनवाए, जो राम का है वो तो यही बोलेंगे कि जो राम का है वो काम का है। हाँ, जो राम का है वो काम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। ये नवीन नरवण आता रहता है अपने पास। तो श्रीयांश बेटा एक बात बताओ, ये जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, इनको भी न्योता भेजा गया था जी। क्या बात है, वो क्यों नहीं आ रहे? अब उनकी मर्जी है, राम की शरण में आ जाए, उनका भी कल्याण हो जाएगा, हमारा तो हो ही रहा, उनका भी कल्याण। ये देखो भाई, सातवीं क्लास का बच्चा है और ये कह रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी कल्याण हो जाता अगर वो न्योते पे आ जाते तो जी। चलो भाई, ये तस्वीरें इन पर छोड़ कर तरती जान लाग रहे हूँ, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं 22 जनवरी 2024 की, ऐतिहासिक और दुर्लभ और काफ़ी गौरवान्वित करने वाली घटना है ये, जिसके साक्षी बहुत सारे लोग बन रहे हैं। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जी लाके शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि हर दिल में श्री राम बसे जरूर। कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।